पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज प्राइमरी विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई तो वहीं छात्र छात्राओं की पाठशाला चलाई। निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने जब बच्चों से सवाल पूछने शुरू किए तो अधिकारियों के पसीने छूट गए। बच्चे मंत्री के सवालों का सही जवाब तक नहीं दे पाए, जिसके बाद अध्यापकों के द्वारा दी जा रही शिक्षा की पोल पट्टी खुल गई। हालांकि अधिकारी इस दौरान शिक्षकों की तरफदारी करते नजर आए तो कमियों को छुपाने के प्रयास भी कई बार जिलाधिकारी के द्वारा किए गए, लेकिन मंत्री ने आज किसी की भी नहीं चलने दी। बेसिक शिक्षा का हाल देख मंत्री धर्मपाल परेशान तो जरूर हुए, लेकिन सरकार की योजनाओं के तहत कार्यों को अमली जामा जरूर पहनाया। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता की जय, भारत माता की जय माने मुरादाबाद जनपद में रहने वाली जनता की जय, भारत माता की जय माने इस क्लास में जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं उनकी जय, या जो लोग खड़े हैं सबकी जय, भारत माता की जय है सब। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं भारत माता के में तालाब कहीं किनारेदार होता है, कहीं गोल गोल होता है, तालाब के कितने किनारे हो गए, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे हो गए। नदी के किनारे 4 आप लोग बता दो, कभी नक्शे में आप लोगों ने आपके मास्टर साहब कौन है टीचर जिनको नदी दिखाई दिखाइए। ये देखो ये नदी बह रही है, ये बह रही है नदी, ये देखो एक नदी जा रही है राम गंगा तुम्हारी है, और कितने किनारे है आपने नदी देखी नहीं है, दिखा है। नदी के हमेशा दो किनारे ही होते हैं, क्या किनारे होते हैं, तो वो दोनों किनारे नदी के कभी मिलते नहीं, नदी के किनारे कभी मिलते नहीं, दूर ही रहते हैं। इधर उधर काट बाट हो जाए तो भी नदी के किनारे दो ही होते हैं। नदी में क्या होता है, पानी आप लोगों को आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, जीने के लिए पानी आवश्यक है, पानी के बिना आपका जीवन नहीं, तो पानी ज्यादा खर्च करना चाहिए कम खर्च करना चाहिए। अपने जिले के डीएम का नाम जानते हैं आप, अपने प्रधान अध्यापक का नाम जानते हैं, क्या नाम है, कौन सी क्लास हो जाओ आराम से करो बेटा, कौन सा अक्षर बना है, कौन सी की मात्रा है, छोटी पूरा पढ़ तो क्या लिखा है, नहीं नहीं पढ़ो नहीं जाओ भाई, एक और बात चल रहा है, अरे हाँ तू बताओ, देखो आपके गांव के प्रधान का नाम, आपका कौन सा गांव है, एक ढाई में सतीश भाई कितनी संख्या होती है, एक ढाई में संख्या कितनी होती है, ठीक है, और जरा पीछे पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।